रिफ्रैक्शन नहीं, वो तो हो गया था। क्वेश्चंस कर लीजिए इस बार, सर 30 क्वेश्चंस हो गए अभी तक भी 30 पे अटके हुए हो क्या? सर, कर रहे थे सर। चलो ठीक है। डिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। ओके क्विकली रिफ्रेश कर देता हूँ। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, वी स्टार्ट विद लाइट एंड वी डिस्कस द बेसिक थिंग्स लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तो होता ही है, बट उसमें थोड़ा सा हम डिटेल में गए थे विद प्रिज्म एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? प्रिज्म के साथ क्या था, वी सॉ अ न्यू फिनोमेना कॉल्ड डिस्पर्शन इन द केस ऑफ प्रिज्म, हाउ वाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स एंड हाउ प्रिज्म इज यूज फॉर दैट, ठीक है? उसके हमने एंगल ऑफ डिविएशन भी निकाला था एंड इट्स रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ द प्रिज्म से एंगल ऑफ डिविएशन वॉज रिलेटेड रिलेटेड क्योंकि उससे क्या पता चल रहा है हमें कि जैसे जैसे अगर हमारा ब्रॉड होता जाएगा उतना कम डिस्पर्शन होगा और या एंगल ऑफ डिविएशन कम होता जाएगा, जितना पतला हमारा प्रिज्म होगा उतना ज्यादा डिस्पर्शन होगा, ठीक है? या एंगल ऑफ डिविएशन उतना बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दैट, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोगों ने किया था TIR, व्हिच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इट इज, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ये सारी चीजें हम लोगों ने की थी। उसके बाद व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इट, मिराज कैसे फॉर्म होता है, ड्रॉपलेट से, वाटर ड्रॉपलेट से रेनबो कैसे फॉर्म होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है? सारी चीजें याद आ गई हैं क्या? लास्टली आई थिंक वी डिड डॉपलर इफेक्ट, राइट? लास्ट टाइम वी फिनिश्ड डॉपलर इफेक्ट इज वेल। सो डॉपलर इफेक्ट हम लोगों ने लाइट के लिए भी निकाला था, विच इज नथिंग बट द सेम सेम थिंग, बट उसके अंदर हम लोगों ने डेल्टा एफ अपॉन एफ नॉट निकाल दिया था, विच वी कैन यूज द सेम थिंग फॉर साउंड और अदर वेव्स एज वेल, बट हम लोगों ने लाइट के केस में स्पेशली निकाल दिया था डेल्टा एफ अपॉन एफ नॉट, विच वॉज इक्वल टू माइनस वी एस अपॉन सी, राइट? एंड हमने बोला था कि द मोस्ट क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वी एस अपॉन सी should be between minus 1 and 1 or Vs should be very very small smaller than C, correct? वहां से वहां पे हम लोगों ने stop किया था last time. Now let's go forward. अब हमारे दो चीजें बची हुई हैं, बहुत ही simple, interference and diffraction. Now interference के अंदर हम सबसे पहले coherent incoherent sources देखेंगे, उसके बाद हम Young's double slit experiment देखेंगे, उसके बाद diffraction पे आएंगे, diffraction पे single slit experiment देखेंगे, then we'll come to polarization and that'll be all for this chapter and hopefully we will be able to discuss questions as well. ठीक है, I'll try my best to discuss at least half an hour of questions. ठीक है, interference. Coherent and incoherent sources. क्या होता है ये? Idea क्या कुछ? So we're talking about light. So नहीं, this is again like, two for. I'm guessing a coherent source. हाँ, coherent source. No, you were saying. I said you what interference is also true for all waveforms. Light ke case mein hum specially dekh rahe hain kyunki usme fringes aur wo sab clearly bante hain. Dusri cheezon mein itne acche se hame dikhta nahi hai isliye. Theek hai? So this phenomena of interference is true for all waveforms. Theek hai? Sound ke liye, water ke liye, anywhere waves are found, we see this. Theek hai? Coherent sources aise hote hain जहां पे द फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज,
उसको हम कोहेरेंट सोर्सेज बोल देते हैं. इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑब्वियसली बिकम वेयर द फेज डिफरेंस इज चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, अगेन एंड अगेन चेंज होता रहता है. फेज डिफरेंस क्या होता है एच जी? So like, I mean, I don't know how to word it, but like, for example, if there are two waves, so they are basically, what can I say, phase difference does not change. So it's basically like they're both moving at the same speed, you can say? They are moving with the same angle of difference. ठीक है, तो जब वो मूव कर रहे हैं तो उनका जो एंगल है फेज ही बोल देते हैं. फेज इज द एंगल विद विच इट इज मूविंग. ठीक है, जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज द डिफरेंस, वो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, उससे क्या होता है, आई कैन नाउ यूज दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंटरफेरेंस विच वी हैव ऑलरेडी डन वंस, बट मैं उसको क्विकली और इसके सेंस में बता रहा हूँ. सपोज आई हैव ए एंड बी एंड दीज टू आर कोहेरेंट सोर्सेस. ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस दैट मीन्स दे इनका फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी नो एग्जैक्टली हाउ दे आर वर्किंग. अब यहां पे इफ आई वॉन्ट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर मेरे को यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो क्या कंडीशन होना चाहिए? व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? आई एम अज्यूमिंग बोथ आर द सेम वेव, सब एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम है एक्सेप्ट दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस. यू सेड दैट कोहेरेंट सोर्सेस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी, बिकॉज़ देयर इज नो, नहीं नॉट एवरीवेयर, हर जगह नहीं होगा यार, कंडीशंस होगा उसका भी. सी इट्स वेरी सिंपल यार, कोहेरेंट सोर्सेस का ये मतलब है कि फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा. सो फॉर आवर एग्जांपल, फॉर आवर सिंपलिसिटी, वी आर टेकिंग द फेज डिफरेंस एज जीरो. दैट मींस दोनों सेम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट जो प्रोडक्शन का सोर्स है, एक का सोर्स यहाँ पे, एक का सोर्स यहाँ पे, दैट्स इट. ठीक है, जस्ट टू कीप आवर लाइफ सिंपलर फॉर द मोमेंट. अब मैंने बोला कि यार अब इधर कोई भी एक रैंडम पी है, मेरे को देखना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, या आई मीन इन दिस केस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हुआ, दैट द पॉइंट्स पॉइंट्स दैट रीच दिस थिंग, ये दोनों सेम पॉइंट पे पहुंचना चाहिए. दैट मींस ये अगर 1, 2, 3 लैम्डा है, इफ दिस इज 3 लैम्डा, देन दिस हैज टू बी 1, 2, 3, 4, 5. दिस हैज टू बी, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, दैट नीड्स टू बी एन लैम्डा. क्या ये समझ में आया? क्योंकि एन लैम्डा होगा तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो दोनों सेम पॉइंट होंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो दे बोथ विल ऐड अप एंड गिव मी द give me constructive interference at so the point I, P. Can I clarify something? I thought coherent meant ki there is no phase difference between them. There is no phase difference. But then, phase difference does not change. Nahin. See, yahan pe phase... Okay. Isko main correct kar deta hun. Phase difference, although maine likha hua hai sources, of source. ठीक है, coherent incoherent is true for sources, not for waves. ठीक है, ये source के बारे में बात कर रहे हैं. ये जो sources हैं, अब sources can be say I use like a tuning fork. ठीक है, दोनों जगह पे मैं tuning fork use कर रहा हूँ, दोनों same frequency के tuning forks ले रहा हूँ, everything else is same. ठीक है, but तो अगर ये दोनों सेम ट्यूनिंग फोर्क से चालू हुए, दैट मींस बोथ ऑफ देम आर कोहेरेंट सोर्सेस, दैट मींस दे विल प्रोड्यूस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वेव्स. बट नाउ अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई भी एक बीच में हम पॉइंट लेते
which is on the bisector line पे जब हम लेंगे वहां पे क्या होगा, दोनों वेव्स को इक्वल डिस्टेंस चलना पड़ेगा. दोनों वेव्स को अगर इक्वल डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, दैट मींस एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल हैव द एग्जैक्ट सेम फेज एट ऑल पॉइंट्स. दैट मींस हर जगह उस बाइसेक्टर लाइन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा. बट इफ आई वांट अ रैंडम पॉइंट पी, यहां पे मैं क्राइटेरिया देख रहा हूं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हियर. सो द क्राइटेरिया हियर इज इन दोनों के बीच का डिफरेंस बीपी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B from point B, source B, and the distance traveled by B from source A, उन दोनों का जो difference होना चाहिए वो n lambda होना चाहिए. Now it can be 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, whatever the case, but it needs to be one oscillation ahead or before, whatever. Then I will get always the same same phase at this point. आगे क्या जी समझ में? हाँ सर मतलब जबरदस्ती हाँ बोल देते हैं. बोल कहाँ पे ब्लॉक हो रहा है? मैं तो बस मतलब यही देखा था कि लाइक बेसिकली कोहेरेंट सोर्स में यू आर सेइंग फेज डिफरेंस ऑफ सोर्स डज नॉट चेंज. नहीं, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. कोहेरेंट सोर्स और इसका कोई रिलेशन नहीं है. कोहेरेंट सोर्स हमने यहाँ पे एंड कर दिया. ओके, कोहेरेंट सोर्स का ये मतलब हुआ कि जो हमारी वेव बन रही है वो आइडेंटिकल वेव्स बन रही है, या वो वेव्स चेंज नहीं हो रही. इनकोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब हुआ कि फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है. ठीक है, दैट फेज डिफरेंस इज कीपिंग ऑन चेंजिंग. अगर फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है, दैट मींस व्हाट, एवरी वेव दैट आई एम गेटिंग दैट आई एम क्रिएटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. आया समझ में? तो कोहेरेंट इनकोहेरेंट का इससे मतलब नहीं है. Now, for coherent, this is the condition. Incoherent में ये हम निकाल ही नहीं सकते. ठीक है, incoherent में तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वो waves ही change हो रही है. उसमें ये lambda same ही नहीं रहेगा, wavelength ही same नहीं रहेगा, तो मैं निकाल ही नहीं सकता. But for coherent, I am saying कि अच्छा, जब ऐसे source, दो coherent sources ऐसे move कर रहे हैं, तो now I want to find the interference pattern at point P. The constructive interference will happen when this condition is satisfied, and destructive interference will happen when this is satisfied. N plus half lambda. That means जो मेरा यहाँ पे waves पहुँच रही है वो आधा ऑसिलेशन उल्टा है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि दे कैंसिल ईच अदर आउट. दैट ओनली हैपेंस व्हेन द वेव्स रीचिंग आर इन ऑपोजिट फेजेस. ऑपोजिट फेज का मतलब हुआ दे नीड टू बी एटलीस्ट हाफ अ वेवलेंथ अपार्ट. क्या ये समझ में आ गया? ये कर चुके हैं हम पहले भी. एचआर? नहीं सर, कल यार, आई जस्ट मेड अ क्विक डायग्राम टू अंडरस्टैंड इट. हां, बट डिड यू अंडरस्टैंड इट? या, आई अंडरस्टूड बोथ ऑफ देम. ठीक है, ओके. नाउ इंटेंसिटी इज एन इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल. इंटेंसिटी अब इंटेंसिटी जो है वो हम यूजुअली लाइट के लिए ही निकालते हैं. Although this is again true for all waves. Intensity of sound भी होता है, intensity of water waves हम सुनते नहीं है but होता है. ठीक है, but intensity of light तो हम जानते ही हैं कि bulb कितना intense है या bright light कितनी हो रही है, etc. Intensity हम देते हैं I is equals to यहाँ पे मैं डायरेक्टली ही बता देता हूं. आई नॉट कॉस डेल्टा फाई. इस तरह से मैं इंटेंसिटी दे सकता हूं यहाँ पे. नहीं, सॉरी 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 सॉरी
सॉरी गलत कर दिया, 4i0² cos of 5/2 cos square 5/2 intensity at this point will be given by this. ठीक है, intensity at this point will be given through this relation. ये जो है phi is the phase difference at the point, at the point जो phase difference है. तो phase difference अगर zero होगा तो this will become one and I will have maximum intensity. ठीक है, अगर phase difference 180 का हुआ, which is what completely opposite is, 180 का हुआ तो it will become 90 degrees. So cos square 90 will be zero, so I will be zero. ठीक है, that means for constructive interference I will get my intensity as 4i0², for destructive interference it will be zero. ठीक है, now for incoherent sources हम intensity ऐसे नहीं निकाल सकते हैं. क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमारी waves change हो रही है. ठीक है, so वो diffused intensity दे रही है, it will not give me clear pattern like this. ठीक है, so we take an average of those. And so for incoherent sources, हमारा जो intensity होता है वो बस 2i0 बोल देते हैं उसको, the average of the two. दोनों को add किया हुआ है हम लोगों ने बस. It is just the average intensity. ठीक है, अब आते हैं the fun part. So coherent incoherent sources are not बहुत ज़्यादा ऐसे crazy important नहीं है, they are just basic things to understand. But coherent sources become important for us to understand because Young's double slit experiment uses it. Young's double slit experiment. Now, बहुत ही interesting चीज है. What he did, see, remember when all of this was happening, he did not have like these really nice lights that we all have these days. वहाँ पे उस time वो usual lamps से use करते थे, ठीक है? Usually flint lamps or I don't know whatever they call them, or oil lamps. तो अब उसमें क्या दिक्कत था? अगर वो एक सिंगल सोर्स यूज करता और उसको पास थ्रू करता तो वो इट वाज एन इनकोहेरेंट सोर्स. सपोज अगर मैं दो अलग अलग लैम्प्स यूज करता हूँ तो क्या हो रहा है? दे बिकम इनकोहेरेंट, क्योंकि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस मुझे नहीं पता. एज अ साइंटिस्ट आई कैन नॉट टेल द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर because the the light keeps on flickering and whatnot. So what Young did is he used one source, usko ek slit se pass kiya, which is this slit. Theek hai, yahan pe koi source laga diya usne, so ye source laga diya and ek slit se pass kiya, and then yahan se jo nikli isko usne do aur slit se pass kara diya. ओके, दो और स्लिट से पास करा दिया एंड नाउ दीज टू स्लिट्स और पिन होल्स आर कोहेरेंट बिकॉज जो यहाँ पे, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों, दैट मींस जो फेज डिफरेंस यहाँ पे आएगा सेम डिफरेंस विल बी हियर एज वेल. ओके, क्या ये आ रहा है समझ में? सही बाबा, आप एक्सप्लेन कर दो ये तो. सी द प्रॉब्लम वाज, अगर मैं दो अलग अलग लैम्प्स लेता हूँ तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि यार उसमें कोई क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, फेज डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेज डिफरेंस आई कैन नॉट चेक इन रियल टाइम. तो यंग ने, और उस टाइम दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम,
सियांग ने क्या किया, उसने बोला कि यार मैं एक सिंगल सोर्स लेता हूँ, उसको पहले तो एक पिन होल में से निकालता हूँ. नाउ आई हैव लाइट, ठीक है, जो कि एक पिन होल में से निकली है या एक सोर्स से आई है, ठीक है. अब उस लाइट को रादर देन यूजिंग टू डिफरेंट सोर्सेस, आई विल यूज अनादर शीट, एक और शीट उसके आगे लगा देता हूँ और उसके अंदर दो होल्स बनाता हूँ एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स. व्हाट दिस अलाउज इज जितना इधर पहुंचेगा उतना ही इधर पहुंचेगा, दैट मीन्स डिस्टेंस इज द सेम, एंड जो भी चेंज इधर आ रहा है, जो भी चेंज मेरे ओरिजिनल सोर्स पे आएगा वो दोनों जगह सेम होगा. दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, एट गिवन एवरी पॉइंट, बोथ ऑफ दीज सोर्सेज विल हैव द सेम फेज चेंज बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स. अगर यहाँ कोई चेंज हुआ तो वो दोनों में इक्वली शो होगा, दोनों में इक्वली शो होगा, तो वो डिफरेंस, दैट फेज डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन द सेम. ठीक है, दैट इज व्हाई यंग्स डबल स्लिट मॉडल बिकेम सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, आज हमें इतना जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज टुडे वी कैन एक्चुअली यूज लाइक मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड कीप इट स्टैग्नेंट. ठीक है, बिकॉज वी कैन यूज टू सोर्सेज, वी हैव द टेक्नोलॉजी टुडे, बट उस टाइम नहीं थी, इसलिए दिस वॉज पाथ ब्रेकिंग एट दैट टाइम. गॉट इट? उसके बाद he took a screen and the screen is where he was trying to figure out the interference patterns. ठीक है, now all of this is done so that we can figure out what is the interference pattern. ठीक है, कि किस तरह की pattern light बना रही है. So now we can use the same thing that अभी हमने किया. Use the same thing. इन दोनों slits के बीच में जो distance है वो d है, small d. और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कैपिटल डी बोल रहा हूं. दिस इज माय मिडिल लाइन एंड आई एम कॉलिंग दिस एज एक्स. ठीक है, तो अब ये तो हमें पता ही है फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस इफ आई वांट टू गेट पी as a high intensity or a bright fringe, I need what? S2P minus S1P should be equals to N lambda. ये अभी हमने किया है पीछे. अगर मेरे को ये bright चाहिए, ठीक है? So see what happened is, जब उसने ऐसा किया, and he put the screen, he saw interference pattern. Interference pattern मतलब, उसने fringes देखे, कहीं पे dark fringes आ रहे थे, और कहीं पे bright fringes आ रहे थे. ठीक है, तो दैट प्रूव्ड दैट लाइट वॉज अ वेव. दैट वन एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट लाइट वॉज एक्चुअली अ वेव. ठीक है, बिकॉज इट वॉज कैंसलिंग ईच अदर आउट एंड इट वॉज एडिंग टूगेदर एज वेल. सो यहां पे हम वही निकालने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस. फॉर पी maximum, ठीक है, for p as maximum I need s2p minus s1p equals to n lambda, where n is equals to 0, 1, 2 and so on. क्या जी आ रहा है समझ में? हाँ, तो basically for like the source to be the brightest there should be constructive interference और वो उस टाइप का p minus s. तुम लोग interference pattern का मतलब समझ गए क्या? Fringes का मतलब समझ गए क्या? Sort of like a barcode. नहीं यार, that's what I thought. नहीं समझे होगे तुम लोग, इसीलिए ऐसा लग रहा है. See what happened is it came out like this.
Now imagine this on the screen. ठीक है, ये तो मैंने सामने से बनाया, but imagine this on the screen. यहाँ से हमने source डाला और ये इससे हो रहा है. What is happening? P पे this is bright fringe. ठीक है, that means पूरा जो light है at this point or for a particular width, the light is adding up. Okay, it is adding up. This is a dark fringe. Dark fringe का मतलब है यहाँ पे light is canceling each other out. है अभी भी light ही, but थोड़ा सा ऊपर जाते ही यहाँ पे जो light है ये cancel कर रही है अपने आप को. Okay, so on the screen we are actually getting a dark white, dark white, dark white pattern. This is called the interference pattern, this as a whole, and each of these are called fringes. It looks like sort of like a barcode. हाँ, मतलब I didn't know what you meant with a barcode, but yeah, ठीक है, it does look like a barcode. Okay, so this is what fringes are, but ये मैंने गलत बना दिया. यहाँ पे जो होगा सेंटर पे, दिस इट विल ऑलवेज बी ब्राइट लाइट. ठीक है, क्यों होगा यहाँ पे ब्राइट? क्योंकि दिस सेंटर इज इक्वल फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स इक्वल है, दैट मीन्स वेव्स आर ट्रेवलिंग द इक्वल डिस्टेंस, दैट मीन्स फेज में है तो वो एड हो जाएगा. ठीक है, सो सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट. ओके, so now coming back to how we're trying to figure out a relationship between all of these quantities that we are given. Okay, so hamare paas sp, so humne bola ki s2p minus sp1 should be equals to n lambda. Okay, S to P ka square. Now look at this triangle. Look at this triangle. S to P ka square is equals to D square plus X plus D by 2 ka square. Small D by 2 ka square. Okay, samajh mein aaya? Theek hai? In this triangle. Similarly, S1P ka square is equals to d square. Again, यहाँ पे ये जो distance है ये d ही है. Okay, from S1 to here, it is still d क्योंकि वो rectangle बना रहा है. Plus, now x minus d by 2 हो जाएगा यहाँ पे. क्या हुआ जी? Got it? सही क्या? सेकंड वाला एक बार बता दो. सेकंड वाला नहीं आया. S1P निकालना है मुझे. S1P दिस लाइन, इस लाइन को अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये एक ट्रायंगल है इस तरह का, तो इस ट्रायंगल का बेस जो हो गया वो तो D ही हो गया क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बना रहा है तो सेम हो जाएगा. और ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो कैसे बताऊंगा मैं? एक्स माइनस डी बाय टू. ठीक है, so ये नीचे वाला भी आ गया. Now I subtract both of these. S2P का square, S2P का square minus S1P का square को minus subtract कर रहा हूँ. S2P square minus S1P square gives me d square cancel out हो रहा है. I will be left with x plus d by 2 का square minus x minus d by 2 ka square, which comes out as x square plus d square by 4, dono taraf se cancel out ho jayega, yahan pe 2xd bachega, sorry yahan pe xd bachega, yahan pe bhi xd bachega, minus xd bachega, dono add ho jayenge, so I will be referred 2xd. Agar ye nahi samajh mein aaya to you have to open both of them and then get this. आगे गए समझ में? ओके, सो आई गेट 2xd.
बट अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मेरे को तो एक्चुअली में क्या चाहिए, S2P और -S1P चाहिए, ये तो स्क्वायर में है, तो मैं इसमें A²-B² वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, आइडेंटिटी लगा दूंगा, तो आई विल गेट S2P-S1P as equals to 2xd upon S2P plus S1P. ठीक है, A²-B² A-B into A+B, A+B को मैंने डिवाइड कर दिया, सो आई हैव दिस S2P और S1P. नाउ अगर अगर हम बोलें, क्योंकि क्या लिखा था हमने, S2P कैसे बोला था हम लोगों ने कि भाई x माइनस ये इसके इक्वल है, S2P अगर ये बहुत बड़ा है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ओके, इफ d इज वेरी बिग कंपेयर टू d बाय 2 या इन बिटवीन दिस डिस्टेंस, हम S2P और S1P को d के इक्वल ले सकते हैं ऑलमोस्ट. क्या ये समझ में आया? इफ, and this is a very important assumption, ठीक है, if small d is very very small then capital D, then I can take S2P is equals to S1P is equals to capital D. Yes or no? ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पास में है. जैसे ये हुआ, सो हम दो डीज को ऐड कर रहे हैं, सो आई विल गेट 2xd अपॉन 2d एंड दिस बिकम्स x अपॉन x इनटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल d. सो दिस इज द रिलेशन आई वांटेड टू गेट, दिस इज द रिलेशन आई वांटेड टू गेट फाइनली. गॉट इट? अब इसको हम यूज करेंगे फॉर आर थिंग्स. अब मैं बोल रहा हूं कि x into small d upon d should be equals to n into lambda for constructive interference. That means a bright fringe के लिए मुझे ये चाहिए. ठीक है, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज कितना डिस्टेंस पे आएगा, ऑब्वियसली n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 सो ऑन प्लस माइनस x n इज इक्वल्स टू n लैम्डा इनटू कैपिटल d अपॉन स्मॉल d. दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंजेस. जीरो भी आ ही सकता है. आगे गए समझ में? बस इधर मल्टीप्लाई किया है मैंने. आई एम सेइंग xn, मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं, आई वांट टू फाइंड कि ये सेंटर पॉइंट से मेरे डार्क और ब्राइट फ्रिंज, या इस केस में ये ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर है सेंटर पॉइंट से. सो व्हेन आई टेक n इक्वल्स टू 1 इतना आया, when I take n equals to 2 इतना आया, when I take n equals to 3 इतना आया, and so on. ठीक है, and जब मैं -1 लूंगा तो नीचे की तरफ का आ जाएगा, -1, -2, -3 and so on. ठीक है, so this is for bright fringes where xn is equals to n lambda capital D upon D and n की ये value. Similarly dark fringes के लिए डार्क फ्रिंजेस के लिए कैसे निकालूंगा, एक्स एन विल बी इक्वल्स टू एन लैम्डा की जगह ये क्या था, एन प्लस हाफ इंटू लैम्डा था. ठीक है, एन प्लस हाफ इंटू लैम्डा को यूज कर लेंगे, एन प्लस हाफ इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी वेयर एन इज स्टिल +-1, +2 एंड सो ऑन. यहां पे जीरो नहीं होगा, जीरो भी आ जाएगा एक्चुअली.
लिख सकते हैं जीरो भी. ठीक है. So we get the distances of bright and dark fringes from the center. This is from the center. Do not forget that. Always from the center. दोनों से हमें पता चल रहा है कि center पे हमेशा bright spot मिलेगा हमें. ठीक है. अब what is in between two bright fringes or in between two dark fringes? उसका भी distance निकाल सकता हूं मैं. In between two dark fringes or in between two bright fringes, yeah, width of these fringes. क्या मैं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ क्या width? So you could, I mean, yeah, if you like found like you say. Centers, if you found the second bright fringe and centers, you found the first dark fringe. दोनों को subtract कर देंगे. ठीक है. तो width of fringes बोलो या distance between two consecutive fringes. Same thing है दोनों. ठीक है. तो फिर तो like first bright minus second bright नहीं ऐसे करेंगे ना? हाँ, second bright minus first bright. Okay, second bright minus. So हम इसको ऐसे लिख देंगे n plus 1 lambda capital D upon D minus n lambda capital D upon D. This is delta x. कितना आ गया ये? n plus 1 this ये cancel out हो जाएगा. I will be left with n plus. I will be left with lambda capital D upon D. Is that correct? Cancel the whole that. N plus one भी सही लगाया हमने. Plus one. सही आना चाहिए. Lambda D upon D आ जाएगा बस. This will be nothing. ठीक है. नाउ यूजुअली क्या होता है, लोकस जानते हो तुम लोग? लोकस नहीं पढ़ा होगा. यू नो व्हाट लोकस इज? इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन दिस. नहीं, दिस इज ना कुछ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सेम प्लेस. नहीं, वो तो वेव फ्रंट होता है. नहीं नहीं, लोकस मैथमेटिकल टर्म होता है. सो लोकस इज एसेंशियली कोई भी एक कंस्ट्रेंट हम यूज करके एक पॉइंट का पोजिशन मैप करते हैं. ठीक है. सो जैसे सर्कल इज अ लोकेशन, इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अनादर पॉइंट. ठीक है. एक पॉइंट विच इज कॉल्ड द सेंटर, उससे हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट का पोजिशन मैप कर रहे हैं हम. तो वो जो हमारा मैप करके निकलता है डायग्राम, उसको हम लोकस बोलते हैं. ठीक है. सो लोकस of the point here, जहां पे हमारे इस तरीके का सिचुएशन मिले. ठीक है. तो ये यूजली जो आता है, दिस इज एक्चुअली हाइपरबोला. दैट मीन्स जो यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न बनता है, दिस इज एक्चुअली अ हाइपरबोलिक फ्रिंज पैटर्न. ठीक है. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट इन केस कहीं पे आ जाए तो ये यू शुड नो. हाइपरबोला इज अ फॉर्म ऑफ ग्राफ. ठीक है. जैसे हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है या सर्कल होता है या कोई सा ओवल होता है, उसी तरह से हाइपरबोला पैराबोला ऑल ऑफ दीज आर आल्सो देयर. सो हाइपरबोला की फॉर्म में आता है. बट अगर हम इसको काफी दूर लेते हैं, इफ वी टेक डी एज वेरी बिग, ठीक है, एंड वी ओनली टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट फॉर कंसिडरेशन, देन फॉर दैट स्मॉल पार्ट वी कैन सी, वी कैन approximate that all of these fringes are straight lines. ठीक है. For that small part, for a small piece of the whole hyperbola, hyperbola तो बहुत बड़ा होगा, तो उसका एक छोटा part अगर हम consider करें, तो we can say that these fringes are coming in straight lines. ठीक है. They are making straight fringes.
ओके यहां से इंटेंसिटी के बारे में क्या बता सकते हो? व्हेन यू नो दैट जब इस तरह से हमारे फ्रिंजेस बन रहे हैं, इंटेंसिटी के बारे में या उसका कुछ ग्राफ बता सकते हो क्या? सर इट्स अल्टरनेटिंग इंटेंसिटी. हां, आर यू सेइंग समथिंग एचआर? इट्स अल्टरनेटिंग, राइट? इंटेंसिटी इज गोइंग अप एंड डाउन सडनली. अप डाउन. हां, इंटेंसिटी इज गोइंग अप एंड डाउन, सो इट्स वेरी सिंपल ग्राफ लाइक दिस. For the center, which is x is equals to 0, क्योंकि हम x ले रहे हैं इधर और यहाँ पे हम intensity ले रहे हैं, यहाँ पे maximum आती है, and then it just repeats itself, just like this. ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, and this is Imax. Imax is जो हमने अभी formula use किया था, उससे आ रहा है. ठीक है, intensity के मैं डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज दैट विल बी टू मच ऑफ अ क्या बोलते हैं डिटूर फॉर अस. ओके, क्योंकि वो जब हम ज्यादा लाइट के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ते हैं तब इंटेंसिटी और ज्यादा काम आता है, बट राइट नाउ वी आर ओनली फोकस्ड ऑन द वेव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इंटेंसिटी एज सच. बट ये तुम्हारी बुक में स्पेशली दिया हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो इसका भी इतना रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, सो ये कहां पे होगा? वेयर इज दिस पीक हैपनिंग? वेयर इज दिस पीक हैपनिंग? ये हो रहा है 1 लैम्डा पे. ठीक है, 1 लैम्डा नहीं है, एक्स लिया है ना हम लोगों ने, तो एक्स पे कितना आया था? लैम्डा, लैम्डा स्मॉल डी बाय डी. दिस इज lambda capital D by D. This is 2 lambda capital D by D. ठीक है, बेसिकली जो भी मैप, मतलब फ्रिंजेस मैप करने हैं हम लोगों की, कहां पे फुल आएगा, सो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली बिकम्स lambda D by D, जो कि हमने xn का फॉर्मूला निकाला था, उसको उसमें बस n की वैल्यू डालते रहो और हर फ्रिंज आता रहेगा. ठीक है, दीज आर व्हाट, ये वाले ब्राइट फ्रिंजेस हैं, दीज आर व्हाट, डार्क फ्रिंजेस. ठीक है, दैट इज इट. यंग्स मॉडल में बस यही है, फ्रिंजेस के ऊपर ज्यादा मेन फोकस है, एंड हाउ डू वी फाइंड द डिफरेंसेस एंड द डिस्टेंस एंड स्टफ बिटवीन इट. Any questions in this? ठीक है, so let's move on to the next thing, which is diffraction. Now diffraction and interference will confuse you. क्या होता है diffraction? So bending of wave into the shadow region around about. Bending of wave into a shadow region. Yeah, our teacher used this term. Say that again. Bending of wave into a shadow. Okay, wait, I will not use that term now. No, but wave bends around you. He made a diagram. So if you make a line and then you sort of make a corner or like an opening where the shadow will fall. So the wave will bend into that area. Okay. ऐसा मैंने वो बना दिया. Now I make a ray like this. I make a straight ray like this. What happens? So if you like even make a wave front, you can see it's gonna bend. Yeah, it's going to bend about the corner. It's going to go where the shadow would form, if you think about it. So, if I make wavefront ki tarah banata hu, it basically works like this. Huh. Okay. So, diffraction is essentially bending of light. Again, this is a common wave property. ठीक है,
सो क्या होता है डिफ्रैक्शन, अगर हम एक सिंगल स्लिट या सिंगल पॉइंट होल से डिफ्रैक्शन देखते हैं, इट ऑलमोस्ट वर्क्स लाइक अ न्यू सोर्स, इट ऑलमोस्ट वर्क्स लाइक अ न्यू सोर्स. ठीक है, तो अभी जो हमने यंग्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस आइडिया कि यार मैं अगर ऐसा पूरा ब्लॉक कर देता हूँ और एक उसमें होल बनाता हूँ, तो ये होल जो है इट ऑलमोस्ट एक्ट्स लाइक अ न्यू सोर्स. दिस इज हाउ यंग एक्चुअली यूज्ड दैट आइडिया ऑफ टू डिफरेंट स्लिट्स, बिकॉज़ द टू डिफरेंट स्लिट्स बिकेम टू डिफरेंट सोर्सेस. ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन. क्या ये आया समझ में? ठीक है, और ये वेव थ्योरी के थ्रू, ह्यूजेंस वेव थ्योरी के थ्रू, वी हैव ऑलरेडी प्रूवन हाउ दिस वर्क्स. ठीक है, या हाउ एक्चुअली Huygens wave theory explains how this could be true. ठीक है, Huygens wave theory explains how this is true. हमें नहीं पता कि how this works. Huygens wave theory ने बोला कि अच्छा भाई अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो ये it makes sense. Do you understand the difference between what I just said? So एक जगह मैंने हाँ. Yeah, so you said the theory. It's giving us a way to think about it, which suggests ki if you look at it like this, it makes sense. Yeah, correct. And it's not, yeah. See, that's why language becomes so important. Kyunki agar main bolta hoon that Huygens wave theory proves this exists, then I'm wrong. Then I'm completely saying it wrong. Okay, because I cannot prove this. Okay, this is a given in nature. It is already happening. We have observed it, and now Huygens wave theory is trying to explain it to us in comprehensible terms. Ki yaar, if you think of the world or of wave in these forms of wave fronts, then this totally makes sense. Do you understand? We are not manipulating nature, okay? Or we can't most of the times. It is something that we observe and then we try to put it into a concept, which is called a theory. And you will see that everywhere. Okay? Gravitational theory, a theory of gravitation, is not something we've invented, although we have kind of made a form of it, but it's already there. Okay? Planets are attracted to each other. We've just figured out ki achha, this might be happening between the things, and so we kind of give it a new form in the form of theory of gravitation. You understand? Okay, so it's important to use proper words, and I try to do it as much as possible, but kabhi kabhi bolte bolte meko dhyan aata hai ki acha, I can improve that. Okay, theek hai, diffraction. So यहां पे हम इसमें बहुत ही सिंपल करने वाले हैं. सो डिफ्रैक्शन इज दिस, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि यार एक सिंगल लाइट से तो इसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न आता है. नाउ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस में डिफरेंस पहले समझो, देयर इज नथिंग. ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, दे आर अ स्पेशल केस ऑफ ईच अदर. ठीक है, इंटरफेरेंस का क्या मतलब हो रहा है? The light is interfering with each other. Diffraction में क्या हो रहा है? The light is just bending. तो इस bending के को हम बोल रहे हैं. But at the same time, we are saying कि अगर दो point ले लेता हूं और उनको जब वो मिल जाते हैं तो वो interference हो जाता है. ठीक है? So there is not much difference between diffraction and interference. Diffraction happens through, I mean, for simple things, we are just calling it bending. But interference is when the two waves are essentially interfering with each other. Now, here we are trying to figure out, KR, agar main ek single slit leta hun, how do I figure out the interference pattern or the pattern on the screen? Theek hai? Ya iska intensity kaise hota hai? To iska agar main aise screen leta hun, to kya hota hai? We can clearly see कि द सेंटर पॉइंट विल बी द ब्राइटेस्ट. ऑफ कोर्स लाइट इज कमिंग दिस वे एंड दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज टाइनी होल. ठीक है, क्योंकि अगर हम एक बड़ा होल ले लेंगे फॉर लाइट
then it will not bend. Okay, it will, matlab, we will not be able to see the bending. Okay, so in our case, we are huge objects, and that's why we cannot see diffraction through us. But if you take like a really tiny pinhole, then we are able to see the diffraction patterns. Okay, so obviously, agar yehi light yahan se aa rahi hai, toh I get the brightest spot here, which is very common and very simple to understand. Now let's try to understand ki agar mera koi bhi ek random point hai is pe, what's gonna happen. So I'm gonna make like this. What I've done is split the matlab ye jo slit hai isko maine teen parts mein divide kar diya, M N O. ठीक है, these are equal, these two are equal halves. So ये bright point पे जा रहा है. अब I'm saying कि ये diffract होके से कोई एक particular angle पे जा रहा है, like this. That means my light ray is traveling that ways somehow. क्या ये आ रहा है समझ में? क्योंकि वो डिफ्रैक्ट होगा ना, एक कोई भी स्लिट से अगर वो इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, दैट मींस व्हाट, देयर इज सम लाइट व्हिच इज मूविंग दिस वे. आई मेड अ रियली स्मॉल डायग्राम, आई डोंट इवन नो इफ यू गाइस कैन सी इट. अगर यहां वाली लाइट को ये वेव फ्रंट बनाना है तो इट हैज टू रीच दैट पॉइंट. ठीक है, दैट मीन्स देर इज सम लाइट वेव्स विच आर गोइंग टू दैट पॉइंट. ऑफ कोर्स तभी तो वो वेव फ्रंट बनेगा. ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई यहाँ पे पैरेलल लाइट आ रही है, बट यहाँ पे जो दूसरी लाइट्स आ रही है, सम ऑफ देम आर आल्सो बेंडिंग टुवर्ड्स इट. बट क्योंकि ये स्क्रीन जो है ये बहुत दूर है, तो वी कैन कंसिडर दैट ऑल ऑफ दीज रेज आर बेंडिंग पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, दिस इज, दीज आर थिंग्स, अजम्पशंस दैट वी आर टेकिंग सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस. नाउ यहां इन दोनों रेज के बीच में जो मेरे को पाथ डिफरेंस है वो कैसे निकाल सकता हूं मैं? हाउ कैन आई फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज? दे आर पैरेलल. आई कैन जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइक दिस एंड नाउ आई कैन से कि भाई ये दोनों जो है, इन दोनों में ये जो है, दिस बिकम्स माई पाथ डिफरेंस. कैन यू मेक, डज दैट मेक सेंस? वेट, कैन यू रिपीट सर? I said, I have these three rays. They're all going towards the same direction. I want to find the path difference between the topmost ray and the lowermost ray. How will I do that? I will drop a perpendicular from this point to this ray. ठीक है? तो अब क्या हो रहा है? इसके आगे वाले जो हैं, they are all equal. इसके आगे वाले जो हैं, वो तो equal ही हैं. ठीक है? तो डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज एसेंशियली कि कितना वो जो वेव है, यहां से जो पॉइंट से जो वेव चली है, वो कितना वेवलेंथ एक्स्ट्रा चली है, वो मेरे को कैसे पता चलेगा? दिस डिस्टेंस से पता चल जाएगा. ये जो डिस्टेंस है, ये एक्स्ट्रा मूव किया है इस वाले रे ने, तो जो भी इसमें डिफरेंस आएगा उससे मेरे को पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा. डज दैट मेक सेंस? ठीक है, सो लेट्स से दिस पॉइंट इज R. ठीक है, नाउ मैं ये ज्वाइन नहीं करना चाह रहा हूं, बट इमेजिन कि यहां पे एक लाइन है. लुक एट दिस ट्रायंगल, लुक एट दिस ट्रायंगल. ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, राइट? ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा. ये वाला ट्राइंगल देखो अब, दिस ट्राइंगल, यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट दिस. इन दिस ट्राइंगल ये भी 90 डिग्री है. डज दैट मेक सेंस? व्हाई इज इट 90? बिकॉज दैट वाज अ परपेंडिकुलर. हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज मैं परपेंडिकुलर, एक पैरेलल वेव पे परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं, तो ऑब्वियसली इट विल बी perpendicular to the other parallel wave as well. ठीक है,
सो यहाँ पे भी 90 है, बट ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, सो आई कैन नाउ गिव दिस एंगल एज थीटा, करेक्ट? ठीक है, आई हैव टेकन द, मैंने इसको ए ले लिया है, आई एम टेकिंग द लेंथ ऑफ द स्लिट एज ए, दैट मीन्स एम एन बिकम ए बाई टू, ओके, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स अब इस वाले ट्राइंगल में ये ओ आर कितना आ गया मेरा, ओ आर कितना आ गया, path difference OR is equals to A sin theta. क्या ये आया समझ में? मेरे पास ये वाला angle theta आ गया. I don't know want to make a line, इसलिए मैंने बनाई नहीं है. बट ये angle theta आ गया, ये समझ में आया. अब ये angle इस वाले triangle में देखो, angle तो same ही है, बड़े वाले triangle में, MOR triangle में, ठीक है? So and the hypotenuse मैंने क्या बोला कि a length का hypotenuse है, which is mo का distance. So ये वाला distance कितना बनेगा मेरा, a sin theta, ठीक है? So I can write sin theta is like that. Got it? ठीक है, but of course we can take it as a theta as well if theta is really small. ठीक है ना? क्या हुआ? Just copying it down the diagram. Good. Should I continue? Okay. So see, what we've done is essentially said कि भाई कोई भी एक arbitrary point P की तरफ ले जाना चाह रहे हैं हम, और हम देखना चाह रहे हैं कि उधर किस तरीके का pattern बन रहा है, क्या intensity आ रही है, क्या हो रहा है उधर, ठीक है? तो हमने बोला कि ये distance जो है वो बहुत ज़्यादा है. So we are saying the path difference between the rays that are reaching there is coming out as this. Now, अगर वहां पे हमें ब्राइट लाइट चाहिए, there is a bright point चाहिए, तो क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? A theta should be equal to what? N lambda के equal होना चाहिए. Same चीज आ रही है ना? Yeah. A theta should be equal to N lambda. So, वो ही कर रहे हैं हम. Now, for bright fringe, A theta would be equals to N lambda, which gives me theta is equals to N lambda by A, and N is equals to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. Similarly, for dark fringes, this will become n plus half lambda, and so this will become n plus half lambda upon A. ठीक है, वो भी लिख लो please. बस जगह नहीं है, so I don't want to write it again. Okay. So ये इस तरह से आ रहा है, same चीज, very similar to what we just did. But now there's a caveat.
The caveat is, यहाँ पे हमारे पास clear fringes नहीं आते. That means we do not get like clear fringes as we got in Young's double slit experiment. We actually get something like this. The intensity is actually somewhat like this. You can make this as well. मतलब ये अलग से चाहे से बना लो तुम लोग, ये intensity pattern है एक तरह से for basic diffraction. What is happening? यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा light आ रही है because this is the brightest and it's right in front of the hole. ठीक है? यहाँ पे कम होती जा रही है अब. ठीक है? And we have हमारे पास हैं ये. We have dark fringes but they are not very wide. They are very tiny. ठीक है? बहुत ही कम जगह पे होता है वो. But equally spaced होता है. सब कोई दिक्कत नहीं. ठीक है? So, यहाँ पे intensity कम हो रही है. Now, can you tell me why the intensity is lesser? Why is my intensity getting lesser and lesser and lesser? आगे जाके और कम हो जाता है. और कम हो जाता है. Why is my intensity reducing so much? So, path difference increase हो रहा है. And as that increases, more destructive interference. So, Oh, okay. तो destructive उससे intensity में क्या फर्क पड़ रहा है? वहाँ पे क्या हो रहा था? See, in the last part, what was happening, or rather in double slit experiment, intensity from a single slit was cancelling out. या ऐसे इस तरह से कम हो रहा था, but because they were two slits से आ रही थी, तो वो add up हो रहे थे, and that's why we were getting almost identical intensities. यहां पे क्या हो रहा है? जब मेरा रे इस तरह से मूव कर रहा है, माय पॉइंट्स विल कैंसिल ईच अदर आउट. ठीक है? दैट मींस सपोज ये पी की तरफ जाना चाह रहे हैं, आई हैव टू मोर पॉइंट्स दैट आई मेक हियर, M1 एंड N1. अब क्या होगा, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो भी n लैम्डा के इक्वल आ सकता है. ठीक है? That means they will cancel each other out. That means half of the कैसे होता है? Okay, try to visualize this. I am dividing this slit into three equal parts. Okay, these are three equal parts. M1, N1, O. What's going to happen? हाफ एवरी पॉइंट, जब मेरा ये वाला ऊपर वाला हाफ है, इसके सिमिलरली देयर विल बी अदर पॉइंट्स इन द अदर हाफ ऑफ द स्लिट व्हिच कैंसिल ऑल ऑफ द पॉइंट्स हियर. क्या ये समझ में आया? बिकॉज दे आर एसेंशियली कंपीटिंग एंड देयर डिफरेंस. सपोज मैंने एन लैम्डा के डिस्टेंस पे ये ले लिया, दो पॉइंट ऐसे रैंडमली ले लिए, तो इनके बीच का डिस्टेंस जब चालू हुआ तो उतना वो एन लैम्डा उधर ही आ गया, तो वो कैंसिल ही हो जाएंगे. या एन लैम्डा मतलब हाफ लैम्डा बाई टू के इक्वल आ गया, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. ओके, लेट मी ट्राई अ बेटर वे टू एक्सप्लेन दिस. ओके, आई थिंक आई अंडरस्टैंड. टेल मी. बिकॉज सो डिफ्रैक्शन इज हैपनिंग एंड वी सेड so basically you do that perpendicular which shows the path difference between these two rays. And if that path difference in a certain case is kitna hota hai for destructive
n plus half lambda. Right. So when those two rays, if they try to go to the same point, then they will cancel out. Or something like that. Now we try kar raha hun. So what happens is, if we, इसमें बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि जब हम ऐसे इमेजिन करते हैं अपने स्लिट को इक्वल पार्ट्स में, सो हियर आई डिवाइड देम इनटू थ्री, व्हाट इज गोना हैपन इज टू पार्ट्स ऑफ दिस स्लिट विल कैंसिल ईच अदर आउट एंड ओनली वन पार्ट विल बी एबल टू प्रोड्यूस द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट. दे विल कैंसिल ईच अदर आउट क्योंकि उनका जो डिफरेंस आएगा वो एन प्लस हाफ लैम्डा के इक्वल आएगा. ठीक है, लेट मी फिगर आउट फिगर दिस आउट. इसको थोड़ा सा मैं अगली बार में और अच्छे से समझा दूंगा. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द बेस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन राइट नाउ, इसलिए लेट गिव मी अनदर क्लास एंड आई विल explain it to you better at that time. Okay? ठीक है, so that's it. मतलब diffraction में बस यही है कि इस तरह से हमारा intensity graph बनेगा and इस तरह से ये जो हमारी rays हैं वो move करेंगे. ठीक है, there's another thing called Rayleigh criterion. तो उसका कुछ detail नहीं है हमारे को क्योंकि हमारे लेवल का नहीं है, तो सिर्फ हमारे को फॉर्मूला दिया हुआ है. यूजुअली आई हेट डूइंग जस्ट फॉर्मूला, सो आई एम बट आई डू नॉट हैव अ चॉइस हियर. तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका. ठीक है, रेली क्राइटेरियन इज वेरी सिंपल. क्या होता है जब हम टेलीस्कोप या हमारी आई इवन, इफ टू थिंग्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, we are not able to distinguish them. That means there must be some difference, some basic difference in between two images that my eye is making. Okay? Any other lens is making. तो उसको बताने के लिए हम ये Rayleigh criterion use करते हैं. इसको हम नाम देते हैं resolving power of an optical instrument. Optical instrument ka resolving power bhi bolte hain. That means this is the minimum resolving power. Resolving power ka matlab hua separate images banane ke liye jo hume chahiye. The criteria that we need. Okay? Aur ye diffraction ki wajah se hota hai. So I'll just give it to you. Formula hai ye basic. Imagine this. Okay. This is 2R. So R is equals to 1.22 RF lambda F upon 2A. This is the formula for it. Very simply, what it tells us ki ye jo hai, this is my object. Ye jo hai, this is the intensity. Jo image aa rahi hai, this is the intensity graph.
See, when you're looking at a microscope, what's going to happen is there's going to be a big image and there's going to be fringes that are going to be made. ठीक है? So ये एक dark fringe बनके, ये एक dark fringe हो जाएगा suppose, और फिर उसके बाद वापस से एक lighter fringe आएगा. ठीक है? Because we just this will be clean because it's bright fringe because this is right at the center. When hamara lens mein se jab ye light is tarah se aa rahi hai, the lens itself is not just going to make a point, theek hai, it's going to make something like this where it becomes more like beech mein bright hai, fir dark fringe hai, fir wapas bright fringe hai, and so on, like a diffraction pattern. ठीक है, अब इसको हमें प्रॉपरली देखने के लिए, इसको हमें प्रॉपरली देखने के लिए वी नीड दिस क्राइटेरिया टू सैटिस्फाई. दैट मींस इसका जो साइज है, जो ब्राइटनेस इस स्पॉट का जो साइज है वो इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि हम देख पाए. ठीक है, वरना हम देख ही नहीं पाएंगे. Zero point. Well, I don't get what you mean by. I understand it needs to be certain size first for us to be able to distinguish. Mm. But this is just like a formula. But this is not like a constant number. It should be a constant number, right? No. Why should it be a constant number? No, constant number for say like the human eye. Nahin. See, ye jo hai, this is essentially for any object that is coming in. Suppose I'm looking at a planet, okay? और वो planet से जो मेरे पास image आ रही है, वो इस तरह से I'm getting it on a screen where it's creating these interference patterns on the screen as well. Okay, so to get a good image which is crisp, this is how I will get it. ठीक है, अगर ये मेरा आर जो साइज है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज, इफ दैट इज इफ दिस डजंट फॉलो द फॉर्मूला, देन इट बिकम्स ब्लरी बिकॉज देन थिंग्स विल मिक्स अप. आई वुड नॉट गेट अ गुड इंटेंसिटी फॉर्म ऑफ द इमेज दैट आई एम लुकिंग एट. ठीक है, सो इट्स मोर अबाउट, सी रिजॉल्विंग पावर इज अबाउट, can I distinguish? Okay, think of this is tarah se. This is the intensity pattern of one thing, and I have another intensity pattern like this, which is somewhat overlapping because हमारा इमेज ऐसा आ रहा है. दीज आर इंटेंसिटी पैटर्न्स ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स. नाउ अंटिल एंड अनलेस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसको फॉलो करेगा, या ये एक इंटेंसिटी पैटर्न इसको फॉलो करेगा, तब तक मुझे ये क्लियरली दिखेगा नहीं. ठीक है, फ्रॉम द इमेज दैट आई एम गेटिंग, आई वोंट बी एबल टू क्लियरली get a defined image of the object itself. Okay, I will get a blurry thing, but I won't be able to get a clear, bright image jisko hum use kar sakenge. So wo to samajh mein aa gaya. You have said for us to be able to, for it to be a clear image, it needs to follow the formula. I remember you saying that. Like, what does that mean? That's, see, what I'm saying is, for us to have a clear image in the sense, I want to have a crisp image. Yaar, aaj kya ho raha hai? Woh samajh mein aa gaya. Like, woh samajh mein aa gaya. You can distinguish, and it's not only distinguishable, it doesn't have like a blurry outline. Yeah. Theek hai? Woh samajh mein aa gaya. Woh, ab uske liye hamare ko
it's not about a particular thing. It's not a particular number. कि इतना बड़ा होगा तभी हमें clearly दिखेगा. It's about what is the intensity of that object. ठीक है, तो जो मैं इमेज ले रहा हूँ, से कैमरा से एक इमेज ले रहा हूँ हमारे स्क्रीन पे, अब उसको एक पर्टिकुलर क्लैरिटी होना चाहिए. दैट मीन्स उसका जो ब्राइट स्पॉट है, विच इज द मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट, इट नीड्स टू हैव अ डिस्टिंग्विशेबल वैल्यू लाइक दिस. ओनली देन आई विल गेट अ क्लियर इमेज ऑन माय कैमरा. योर कैमरा इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस. ठीक है, क्योंकि डिफ्रैक्शन तो सब जगह ही हो रहा है, राइट? डिफ्रैक्शन अगर सब जगह हो रहा है, दैट मीन्स इमेजिन अ कैमरा एंड अ पिनहोल कैमरा जो तुम लोग किया हुआ होगा, यहाँ से लाइट आ रही है. अब देयर विल बी अ लॉट ऑफ लाइट दैट रीचेस द मिडिल पार्ट, बट देयर विल आल्सो बी डिफ्रैक्शन हैपनिंग एट द पिन होल, एंड सो देयर इज आल्सो लाइट रीचिंग द अदर साइड. करेक्ट? इफ आई वांट टू गेट अ क्लियर एंड शार्प इमेज, द ओनली वे टू डू इट इज टू इज फॉर द लाइट दैट इज एंटरिंग और द इंटेंसिटी, द इमेज दैट इज गोना बी फॉर्म्ड, इट नीड्स टू use this, that is the R, the intensity ka jo value hai, wo is tarah se form hona chahiye that it is following this formula. Aaya samajh mein? Agar nahi ho raha hai, agar wo nahi hoga, then I need to change the focus or move the pinhole box to get it right. And then I will get the right intensity, which will give me a sharp image. आ गया समझ में? ठीक है, सो काफी इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है. आई विल सी अगर इसको मैं और अच्छे से समझा पाऊं विद लाइक अ डेरिवेशन इफ पॉसिबल, तो फिर और क्लियर भी हो जाएगा. एंड इट इज डेफिनेटली फैसिनेटिंग, बट क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा चैप्टर भी बहुत लंबा चलता जा रहा है एंड ये थोड़ा आउट ऑफ स्कोप भी है, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट वांट टू गो ओवर देयर. अभी लाइट के केस में काफी सारे आउट ऑफ स्कोप चीज है. ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज वी आर ओनली स्टडिंग द वेव एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, देयर आर अदर जैसे फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो सब पे आएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी चीज हो जाएगी ये. ओके ओके Perfect. So, आज obviously हम questions तो नहीं कर पाएंगे, but I really want to finish the theory so that we are able to start a new chapter in January. So, हमारा जो last topic बचा है इसमें, which is polarization. And this is a really fun thing और बहुत ही simple भी है. ठीक है, do you know what polarization is? कुछ आइडिया? नहीं. पोलराइजेशन इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ये ट्रू है, ऑल्दो हम दूसरे वेव्स के लिए कर सकते हैं, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल मेनली फॉर लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमारे दो चीजें होते हैं. वन इज द सॉरी वन इज द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट ऑफ इट, द अदर इज द मैग्नेटिज्म पार्ट ऑफ इट. क्या ये पता है तुम लोगों को? सर इतना पता है कि इट क्रिएट्स सर्टेन फील्ड्स. But it creates two fields, okay? Electromagnetic waves. That means electric and magnetic waves dono saath mein ho raha hai. Kya ho raha hai? Ek axis mein ya ek plane pe we have electric wave. Ek plane ka kya matlab hua? Suppose this is my plane. Is plane pe mera electric wave move kar raha hai. और दूसरे प्लेन पे, विच इज एट 90 डिग्री फ्रॉम इट, से दिस प्लेन इसके ऊपर मेरा मैग्नेटिक वेव मूव कर रहा है. ठीक है, सो दे आर एसेंशियली व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू मेक हियर. ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये जो मैंने फ्लैट की तरह बनाया, दिस इज गोइंग इनसाइड एंड दिस इज इन द एक्स वाई प्लेन. ठीक है,
So when this happens, जब ऐसा हो रहा है तो इसको हम we put it through a filter called a Polaroid. We put it through a filter called a Polaroid. And Polaroid what does, it has carbon molecules, long chain molecules, ठीक है, which essentially absorb whatever side is coming to it. So Polaroid has long chain molecules which absorb the energy. अब ये random energy नहीं कर रहे हैं. Suppose मेरा Polaroid ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, this is my one Polaroid molecule and मेरा जो light wave आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है and ये जो हाथ है इसमें one of the axis is there, okay? That means this Polaroid is gonna absorb all the energy which is coming directly in the same direction as the Polaroid molecule. That means जो भी x ये वाला जो plane है, ठीक है, which is the depth plane, ठीक है, वो वाले सारे ऐसे निकल जाएंगे. That means जो final मेरे पास wave आएगा वो सिर्फ उसका जो wave fronts होंगे या जो wave का क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स पार्टिकल होगा वो सिर्फ इस तरह से चल रहा होगा. क्या ये आया समझ में? Let me make a diagram, उससे और अच्छा जाएगा. इसको मैं हटा रहा हूँ. यहां से मेरी वेव आ रही है. It has both. ये में काफी difficult है ये diagram बनाना. One is straight. Let's look at this way. Can you distinguish clearly कौन सा कैसा है? एक जो है वो ऐसा straight है और एक जो है वो अंदर की तरफ depth में है. ठीक है, थोड़ा difficult है 2D में diagram बनाना. Polaroid का अगर मेरा direction इस तरह से है, then the ray that I get, the polarized ray that I will get, will only have depth wale energy field. It will only have the depth energy field and it will absorb all the energy field which is in its own direction. Okay, yeah, that's what you mean. Angie? Nice. Okay, let me try to explain it through something else. फिर उसको Polaroid पे अपन use कर लेंगे. Okay. Suppose I'm playing a game, ठीक है? हम कुछ भी गेम खेल रहे हैं, लाइक वी आर प्लेइंग लाइक अ वीडियो गेम जिसमें जो सामने से चीज आ रही है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो चीज जिस चीज का ओरिएंटेशन अलग होता है वी आर ओनली एक्सेप्टिंग वन पर्टिकुलर ओरिएंटेशन एंड ऑल द अदर ओरिएंटेशन वी आर लेटिंग इट पास थ्रू अस. ठीक है, सो व्हाट्स गोना हैपन, ठीक है, जैसे वो म्यूजिक वाला होता है ना, दे अब्सॉर्ब लाइक अ सर्टेन थिंग. सो कोई भी पार्टिकल, ठीक है, व्हेन इट has the particular orientation जो कि मैं absorb कर सकता हूँ, I take it in, okay? And the only particles which are passing through me, कौन से बच रहे? ऐसे particles जो कि जिनको मैं absorb नहीं कर सकता, जिनका orientation अलग है मेरे वाले से, correct है?
ठीक है, तो उस केस वो ही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी. दैट मीन्स अगर मेरा पोलरॉइड ऐसा है और मैं इसको स्ट्रेट वाला ही भेज रहा हूँ तो ये अब्सॉर्ब कर लेता है, बट अगर मैं इसको टेढ़ा वाला भेज रहा हूँ तो ये अब्सॉर्ब नहीं करता है. दैट मीन्स ये पास थ्रू करने देता है इसको. ठीक है, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पोलरॉइड. ओके, सो इट ओनली अलाउज अ पर्टिकुलर एनर्जी. अब ये वाला जो है इसके अंदर मूव कर सकती है. ओके, ये हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं, बट दे कैन स्विच प्लेसेस एज वेल. सो पोलरॉइड अलाउज द एनर्जी टू पास थ्रू विच हैज एन ओरिएंटेशन डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओन. नहीं आया जी अभी भी समझ में? Nice. So basically, you're saying that like the concept of Polaroid is that if you're giving it like, let's say, two types of like just like if you're giving two different types of things, it only absorbs one and the other, like it's like nothing changed, not changed. Yeah. It's like saying, yaar, I am wearing a black color. ठीक है, तो कोई भी ब्लैक लाइट मेरे पे छोड़ोगे मैं अब्सॉर्ब कर लूंगा, बट मेरे पे व्हाइट लाइट छोड़ोगे वो मेरे से पास थ्रू हो जाएगी. सपोज आई हैव अ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड लाइक दिस, आप ब्लैक लाइट छोड़ो मैं पूरा का पूरा अब्सॉर्ब कर लूंगा, व्हाइट लाइट छोड़ोगे वो मेरे से पास होके पीछे निकल जाएगी. ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट के केस में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है एनर्जी के केस में. तो जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, से एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, स्ट्रेट प्लेन में आ रहा है, ठीक है, तो अगर सेम है दोनों का ओरिएंटेशन, अगर मेरा पोलराइड का ओरिएंटेशन ऐसा है और मेरा वेव की जो एनर्जी है, ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ द वेव इज आल्सो मूविंग दिस वे, देन दिस पोलराइड विल टेक इट इन, एब्जॉर्ब कर लेगा इसको. बट अगर इसकी एनर्जी अगर इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ये मूव आगे चल जाएगी. ठीक है, सो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद, तो यहाँ पे ये वाला जो है, बिकॉज इट हैज ऑल द कॉम्पोनेंट्स, दिस इज एन अनपोलराइज्ड वेव. ठीक है, क्योंकि अभी पोलराइज हुआ नहीं है, बट यहाँ पे जैसे निकला, आई हैव अब्सॉर्ब्ड द फॉर्म, अब्सॉर्ब्ड द एनर्जी जिस केस में मेरा पोलराइड मॉलिक्यूल लगे हुए हैं. ठीक है, पोलराइड मॉलिक्यूल जिस तरीके से लगे हुए हैं वो वाला मैंने अब्सॉर्ब कर लिया है. सो द ओनली थिंग रिमेनिंग, द डिस्टर्बेंस ऑफ वेव जो मेरे को बाहर मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है जहां पे वो कम हो गया. ठीक है, सो दिस इज नाउ अ पोलराइज्ड वेव. क्या ये आया समझ में? थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो. आई नीड लाइक डायग्राम्स फॉर दिस. सो देयर इज लाइक द बुक वी हैव, लोगों के पास बुक है तो यू कैन सी द बुक बिकॉज इट हैज बेटर डायग्राम्स. There's a good diagram on page 200. And I had a question. Is it the same concept, those glasses, the Ray-Bans, Polaroid glasses, is this the same thing? Yeah, it's the same thing. Polaroid glasses, this is actually also used for 3D glasses. Okay, so Polaroid, if you see nowadays, there are two, the black wale glasses aate hain. पहले जो था वो रेड और ब्लू वाले ग्लासेस आते थे, नाउडेज दे हैव ब्लैक ग्लासेस. सो व्हाट दोस ब्लैक ग्लासेस डू इज, एक जो साइड है वो अलग पोलराइज करता है, दूसरा जो साइड है वो अलग पोलराइज करता है. ठीक है, सो वन, इफ वन इज पोलराइजिंग दिस वे, द अदर इज पोलराइजिंग द वेव दिस वे. दैट मीन्स माई वन आई इज रिसीविंग दिस वेव, दैट इज ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ द वेव. The other light eye is receiving the other side of the wave. So other side like of the disturbance. On one eye, you will get like the horizontal plane. हाँ, एक तरफ, हाँ, एक तरफ horizontal मिल रहा है, एक तरफ vertical मिल रहा है मुझे. ठीक है, so एक तरफ horizontal मिल रहा है, एक तरफ vertical मिल रहा है, like this, in my eye. Okay, so what happens is then the brain kind of interprets that कि कुछ depth है. Because that's the whole point of 3D. Kuch depth aa raha hai. Okay. And so it gives me a 3D effect. It is much better than blue, than the whole blue, red blue thing. Thoda sa better hota hai. Bahut meko pata nahi effectiveness kitna hai. But I think the depth effect is much better in this. Mainly because
even if you remove the specs, you are able to see the movie just like as it is. 2D में आप देख सकते हो, but आप red blue में नहीं देख सकते वो. ठीक है? So polarization is very cool that way. You can also, I think you can also watch it on your own home as well. If you have like a TV or a projector which is 3D enabled, you can watch it with polarized glasses on your home as well. And there are 3D movies and stuff available online nowadays. Torrents mainly. All right, sir. ठीक है. Anyways, what were we talking about? So look at the diagram, please, quickly, so that हम खत्म कर सकते हैं. ठीक है, मैं क्या बता रहा था? Unpolarized wave वैसे आ रही है इस तरह से. हाँ, polar देख लिया गया तुम लोगों ने. डायग्राम देख के तो एकदम से समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है. I don't have the book, so it's in my laptop. देख नहीं पाऊंगा. ओके, सो इस तरह से हम इसको बोल देते हैं, दिस इज जस्ट इट, उसको हम पोलराइज्ड वेव बोल देते हैं और खत्म हो गया कहानी यहाँ पे. ठीक है. सो पोलराइजेशन इज बेसिकली वी आर ट्राइंग टू ओनली अलाउ अ सर्टेन डिस्टर्बेंस थ्रू अ फिल्म. ठीक है, थ्रू अ पोलराइड फिल्म वी आर ओनली अलाउिंग अ सर्टेन डिस्टर्बेंस और उसको हम पोलराइजेशन बोल रहे हैं. ठीक है. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स इन कि सपोज आई हैव टू फिल्म्स ऑफ पोलरॉइड्स, देन व्हाट हैपेंस? इफ आई हैव टू फिल्म्स ऑफ पोलरॉइड्स, देन व्हाट हैपेंस? ओके, सो दैट इज द कूल पार्ट. सो व्हाट विल हैपन अगर एक पोलरॉइड मैंने ऐसे रखा विच इज एक्सेप्टिंग द वर्टिकल थिंग और एक पोलरॉइड ऐसे रखा विच इज एक्सेप्टिंग द हॉरिजॉन्टल थिंग. व्हाट्स गोना हैपन इज एट द एंड ऑफ द डे you will not be able to see anything. अगर मेरे पीछे से आ रही है, ये वाला हाथ क्या करेगा? ये absorb कर लेगा my vertical energy, ठीक है, my vertical disturbance. और ये वाला जो polaroid है, ये absorb कर लेगा my horizontal disturbance. That means at the end of this polaroid, there is no energy or no disturbance that is coming out. At the same time, अगर मैंने दोनों polaroid same रख दिए, तो क्या होगा? जो एनर्जी एज इट इज इधर से निकली, दिस विल गेट पोलराइज्ड, बट दिस विल जस्ट पास इट थ्रू, दिस विल नॉट अब्सॉर्ब. द सेकंड पोलराइड विल नॉट अब्सॉर्ब एनी डिस्टर्बेंस और एनर्जी. ठीक है, दिस इज कॉमन सेंस, बट ये आया क्या समझ में? ओके, सो इफ आई हैव टू पोलराइड्स और उनके बीच का अगर थीटा एंगल है, तो द इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल लाइट इज गिवन बाय आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा एंगल इज इन बिटवीन द एक्सिस ऑफ द पोलराइड्स. ठीक है, एक्सिस ऑफ द पोलराइड्स. तो अगर यहां पे द एंगल इज जीरो, देन थीटा एंगल इज जीरो, दैट मींस आई विल गेट I naught as my intensity. Wait, sir, can you explain once again? हम theta कहाँ से ले रहे हैं? You're muted. Can you hear me now? Yeah. Yeah. If I वापस समझा दो, how, where we are taking the theta angle from? Theta angle is in between the polaroids. So, suppose ऐसे लिख दिया मैंने. तो मैंने suppose इसको ऐसे बना दिया अगर, in this is theta. ठीक है, so जो भी मेरे basically जो भी molecule है उसका जो direction है उन दोनों के बीच का angle मैं निकाल रहा हूँ. Of course, this I naught is not the original light. जो original light है वो नहीं बात कर रहे हैं. I नॉट कौन सी बात कर रहे हैं? जो एक पोलराइड से निकल जाएगी, द फर्स्ट लाइट दैट कम्स आउट, उसका फिर फाइनल जो आएगा रिजल्ट, उसकी बात चल रही है. क्या ये समझ में आया यार? Okay. एक हाथ में से अगर मेरा निकल गया तो ये जो मेरे पास इंटेंसिटी निकलेगा ये कम हो जाएगा, राइट? क्योंकि एक डिस्टर्बेंस तो मैं ले एब्जॉर्ब कर ही चुका हूं. अब ये जो निकला है इंटेंसिटी, इसको मैंने बोला I नॉट.
अब मैंने इसके आगे दूसरा पोलरॉइड लगा दिया, अगर ये इस तरह से है और ये पूरे के पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, ठीक है, कॉस 90 विल बी जीरो, आई विल गेट माय आई फाइनल आई जो कि बाहर आउटकम आएगा दैट विल बी जीरो, बट इफ इट इज एट अ पर्टिकुलर थीटा देन आई विल गेट आई मीन आई विल एब्जॉर्ब अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड अकॉर्डिंगली आई विल गिव द आई फ्रॉम देयर. Got it? ठीक है, इसको इस फॉर्मूला को मालूज लॉ भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज मालूज लॉ. इसमें कुछ भी इसका जो डेरिवेशन है दिस इज नथिंग, क्योंकि ये असेंशियली हम लोगों ने एंगल को देख के वी हैव जस्ट यूज्ड इट. ठीक है, तो वो एंगल का निकाल के वी हैव यूज्ड इट. कॉस स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि वी डू नॉट वांट अ नेगेटिव कॉस. ठीक है, तो अगर हम उल्टा भी कर दें, अगर ये ऐसा है, अगर मैं पहले ऐसा लूंगा और दूसरे टाइम में उल्टा लूंगा, ईदर वे इट इज एट 90 डिग्री. बट कॉस, अगर मैं सिर्फ कॉस लेता, कॉस थीटा लेता, तो एक तरफ पॉजिटिव आता, एक तरफ नेगेटिव आता, विच इज ऑफ नो यूज टू मी. सो आई ओनली वॉन्ट माई this value should only be between 0 and 1. And that's why I've used a cos square. Got it? ठीक है. Sir, so, I not is the one, like the intensity that passes from the first filter and yes. The second one. I is the final one, yes. And we are only taking care of two polaroids. ठीक है, when two polaroids are put in front of each other, तभी हम बात कर रहे हैं. Got it? ठीक है, अगर तीन पोलरॉइड्स हैं तो हम उसके आगे एक और कर देंगे. सो दिस बिकम्स द आई नॉट फॉर द थर्ड वन. क्या ये आया समझ में? बहुत ही सिंपल है. इस वाले के लिए आई नॉट मिला मुझे, तो इधर के लिए दिस इज दिस आई नॉट एंड आई गेट द फाइनल इंटेंसिटी एज आई. अब एक और अगर मैंने आगे लगा दिया तो इसके लिए जो आई नॉट होगा दिस विल बी दिस and cos square theta between these two कर देंगे सर. ठीक है, so that's it. okay, so अपना ये chapter तो खत्म हो गया. I will definitely get back to you on two things. one is the resolving power and एक कौन सा था, diffraction. ठीक है, diffraction का तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, so I will definitely get back to you on those two. ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड होप पॉसिबली वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नेक्स्ट टाइम इटसेल्फ. ठीक है, ऑलराइट, सो व्हेन वी हैव अ नेक्स्ट क्लास. व्हेन का क्या मतलब है? वी आर सेम, आज वेडनेसडे है तो फ्राइडे, सो फर्स्ट है वो. तो क्या हो गया सर? 31st को मैथ कर रहे सर, फर्स्ट को तो छोड़ दो यार. छुट्टियां तो वैसे इतनी सारी होती जा रही हैं. बट मोस्ट प्रोबब्ली वी विल हैव द क्लास. वी माइट हैव अ स्मॉलर क्लास इफ यू वांट, बट मोस्ट प्रोबब्ली वी विल हैव अ क्लास. कर रहे तो वी विल डू इट प्रॉपर्ली. ओके, थैंक यू सर. हां गुड, सो डिसाइड इन बिटवीन यू गाइस, वी विल do the class then. Chalo.